हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की फ्रॉम मे 11 टू 20 तक के। आपके लोगों के लिए इन नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या प्रडिक्शन है आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगा आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइसिस से। पाइसिस आप लोगों के लिए ग्रेट टाइम है। अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ परचेज भी कर सकते हैं। आप हो सकता है आपकी फ्यूचर की भी प्लानिंग है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप किसी से मशवरा कर भी सकते हैं इन चीज़ों के लिए। आप हो सकता है कहीं आउट ऑफ सिटी के में भी जाने के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपको किसी की अपॉलोजी का या मैसेज का वेट है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इंसान खुद आपसे, हो सकता है कोई आपका वेट कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेट ख़त्म भी हो सकता है। हो सकता है कोई आपको मैसेज करे, आपसे कोई कम्युनिकेट करे, कोई आपसे बात करना चाहे, कोई आपके साथ वर्क करना चाहे, या आप किसी ऐसी न्यू बिगनिंग्स में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई न्यू एक्टिविटी में, या नए लोगों से उठना बैठना, या किसी न्यू पार्टनरशिप में भी आप जा सकते हैं। चाहे ये रोमांटिक है, प्लेटॉनिक है, या किसी के साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है। इट्स रियली गुड फॉर यू पाइसिस। मुझे लग रहा है आपके लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट इज़ कैंसर। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है किसी को पीछे छोड़ने में, किसी से मूव ऑन होने में, या किसी सिचुएशन को छोड़ने में। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चाहते हैं लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही। अब टाइम आ गया है कि आप इस सिचुएशन को या इस रिलेशनशिप को या ऐसी फ्रेंडशिप को ख़त्म करें जो वन साइडेड है। ठीक है, आप अपने आप को खुद हर्ट कर रहे हैं, आप खुद खड़े हैं अपने ही खुशियों के रास्ते में, क्योंकि आप पास से मूव ऑन नहीं करना चाहते। आप ऐसे इंसान पर या ऐसी जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपको कुछ नहीं मिल रहा उस सिचुएशन से। आप में से कुछ लोग स्विच करना चाहें अपनी जॉब को, ये चीज़ भी हो सकता है, या आप सोच रहे हैं कुछ करने के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि आपको कोई अच्छी जॉब, एक अच्छी आपको कोई रिलेशनशिप मिले, बट ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ आपकी फेवर में नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, अपनी एनर्जी को प्लीज़ पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो चेंज करें, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करें, ना कि दूसरे लोगों पर या नेगेटिव एनर्जी पर। इज अ स्कॉर्पियो। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप काफ़ी लकी रहने वाले हैं रिलेशनशिप्स को लेके, या फैमिली मैटर्स को लेके, या इवन अपने कैरियर या बिजनेस को लेके। एक ग्लो अप भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो काफ़ी सारे लोग नोटिस करेंगे। आप हो सकता है किसी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी करे, या कोई आपके साथ वर्क भी करना चाहे, ये भी हो सकता है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ इंप्रूव होने वाली है, चेंज होने वाली है, यू विल बी लकी। कुछ आपको गिफ्ट भी मिल सकता है अपने पेरेंट्स से या अपने पार्टनर से, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप खुद में भी पेरेंट्स बनना चाहें, या आपका बहुत अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, पिकनिक टाइम हो सकता है या फैमिली टाइम हो सकता है, किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ रिकनेक्शन भी हो सकती है। आपकी लाइफ चेंज हो रही है, या आप अपनी लाइफ को चेंज करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। एक चीज़ ही मुझे यह नज़र आ रही है आप लोगों